नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। कोविड 19 की इस महामारी के समय में सरकार की सहायता हेतु पीएम केयर फंड और सीएम केयर फंड की शुरुआत की गई है, जिसमें आम जनता आर्थिक मदद दे सकती है। तब गुजरात रिफाइनरी रिटायर्ड कर्मी एसोसिएशन की ओर से पीएम केयर फंड में 151,000 और सीएम केयर फंड में 151,000 की धनराशि की मदद की गई। गुजरात रिफाइनरी के निवृत्त कर्मियों का एक समूह कार्यरत है सेवा के नाम से। इस संगठन में रिफाइनरी के निवृत्त कर्मियों ने अपनी अपनी बचत से पैसे इकट्ठा करके कोविड 19 के खिलाफ जंग में अपना योगदान देने की पहल की थी। इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट भी इन कर्मियों के साथ मौजूद रहे थे। हमें लोग को गुजरात रिफाइनरी में रिटायर थे एक एसोसिएशन बनायेलू है जेनुं नाम सेवा है। ते सेवाना दरेक मेम्बर ना साथ ने सहकार थी अमे लोगोए दरेक जन पासे थी भंडोळ एकत्र कर्यु छे ने ए भंडोळ पे भंडोळ जे एकत्र थयुं छे एमांथी अमे 151,000 रुपया पीएम केर फंडमां आप्या छे ने 151,000 रुपया चीफ मिनिस्टर फंडमां आप्युं छे। ए आपणा देशनी जे अत्यारे महामारी सामे लड़त छे एना माटे फूल नहीं फूल पाखड़ी समा छे, पण आ माटे अमारा सर्वे सभ्यनो खूब खूब आभार। वडोदरामां रिटायर लोको जे रिफाइनरीमां रिटायर थयेला होय पोतानी नौकरी करीने जीवन पूरू कर्युं होय अने रिटायरमेंट थयुं होय अने त्यार पछी आ रिफाइनरी रिटायर यूनियन तरफथी 1.5 लाख रुपया पीएम केर फंडमां अने 1.5 लाख रुपया सीएम केर फंडमां एटले के मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमां एमणे 1.5 लाख रुपया बंने जग्याए गुजरात सरकार अने केन्द्र सरकार ने आप्या छे। आजना दिवसे कलेक्टर मैडम ने हूँ अपना आ वडोदराना रिटायर रिफाइनरी यूनियनना लोकोने खूब अभिनंदन आपूँ छूँ के तेमणे खूब सारू सेवाकीय कार्य कर्यु छे। अने हूँ एटले हमेशा वारंवार कहती होऊं छूँ के वडोदरा संस्कारी नगरी, अने एटले ज संस्कारी नगरी आपणे कहीए के जे लोको रिटायर थया पछी पण एवुं लागे के ना हमें पण सरकार ने कई मदद करी कोरोना वायरस में। तो ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।